वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग ड्रीम डिवाइन में। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है एक्स मुस्लिम समीर ने खोली एक्स मुस्लिम की पोल, तो ये सेकंड पार्ट है, तो देखते हैं इसमें क्या दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट। स्टांस क्या किसी प्रेशर की वजह से बदला है या आप बैठे हो सोचा है खुद, जिसे कहते हैं कि एक आत्म ध्यान में आपने इन चीजों को सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। असल में मेरी जो, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, मेरी रिलेटिव से बात हुई है और कई बार हुई है। उन्होंने मुझे जो है ना हमेशा से यही बात कही थी कि देखो, तुम्हारा जो है अकीदा नहीं है या तुम नहीं मानते हो वो ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को अकीदे को गाली गलौच देना ये सही नहीं है। वो बदले में जो है ना, मैं बता भी देता हूँ, मेरे मामू हैं, उन्होंने कहा कि देखो, यानी वो मुस्लिम है, मुस्लिम जी जी वो मुस्लिम है, उन्होंने मुझे बोला मेरे मामू ने कि देखो, तुम चैनल चलाते हो, स्ट्रीम करते हो, ठीक है, सवाल पूछते हो वो भी ठीक है, लोगों से बात करते हो वो भी ठीक है, लेकिन जब तुम उनके अकीदे को बुरा भला बोलते हो, गाली देते हो, भले जब तुम ये कहो कि मैं शुरू में नहीं देता, लेकिन एक एक चीज समझो कि एक आदमी ने आकर के तुम्हारी मां बहन को गाली दी, बदले में तुमने मोहम्मद साहब को या अल्लाह को या इस्लाम को गाली दी, तो जो नीचे से चार मुसलमान सुन रहे होंगे उनको तुम्हारी वो गाली याद रहेगी, जब वो अगली बार जुड़ेंगे तो तुमको गाली देंगे इस वजह से कि तुमने उनके रसूल को गाली दी, क्योंकि वो रसूल सबके हैं, उस आदमी का अकेले नहीं है जिसको तुम गाली का जवाब गाली में दे रहे हो। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम ऐसी सब चीजें ना करो, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बहन को गाली खानी पड़ती है, तेरी बहन को गाली खानी पड़ती है, तो तुम ऐसे ही काम ना करो। तो ये मुझे कई बार समझाया, ये मैंने बैठ के सोचा तो वाकई ये चीज है भाई, किसी का बिलीफ है, अगर आपको उससे अपोज करना है या उसके उसके बरक्स आपको बात करनी है, उसके खिलाफ बात करनी है, ठीक है, अब करो, आपका अकीदा है, लेकिन गाली गलौच मैं समझता हूँ सही नहीं है। और जो भी ये लोग कर रहे हैं एक्स मुस्लिम, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इसके बिना जो है ना सिंपली तौर पर अपनी बात करो। और मुसलमानों के लिए भी मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए, इसको अपनी जो है ना तो आप इसको अपनी मजबूरी समझें, ना कमजोरी समझें, ना इसमें आप बेइज्जती महसूस करें। भाई अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको बात करना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। आप लोग एक्स मुस्लिमों से बात करें, उनके जो भी एतराजात हैं, चाहे भले उनके चैनल पे जाएं या उनको अपने चैनल पे बुलाएं। मैं समझता हूँ ये चीजें जो है ना बातचीत से सोल्व हो सकती हैं, नहीं तो चार गाली इधर से आप देंगे, चार वो देंगे, ये चीजें कभी भी खत्म नहीं होंगी, ये चीजें चलती रहेंगी। आमिर भाई आप भी थोड़ा सा इसको समझिए। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मुसलमान हो या इस्लाम हो, उसने कभी भी सवाल को रोका नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई ला यानी या फजूल इररेलेवेंट या अननेसेसरी क्वेश्चनिंग है उसके बारे में रोका है, और वो कोई भी सेन आदमी, कोई भी समझदार आदमी कहेगा यार जिससे तेरा लेना देना नहीं उस बारे में, या जिसके बारे में आप जान ही नहीं सकते हकीकत, उसके बारे में सवाल करके क्या करना है। हाँ, अलबत्ता कोई एतराज है, कोई आपत्ति है या कोई प्रश्न है जेन्युइन, तो उसके पूछने में कभी भी इस्लाम ने रोका नहीं है। इस्लाम का मतमा नजर हमेशा ये रहा है कि तूफान बदतमीजी ना हो, और यही हमारा मानना है। आप सवाल करना चाहते हैं, को बात करना चाहते हैं, बिल्कुल वो जगह है, उसमें बात करें और उसको डिस्कस करेंगे, और इसी तरह इल्म आगे बढ़ता है, पॉइंट नंबर वन। दूसरी चीज जो है वो ये कि मैं ये जानना चाहता हूं आपके, मैं अपने बारे में बताऊंगा, मेरे ख्याल से पहले वो रख देता हूं फिर आपसे पूछ लेता हूं, वो जो मामू वाली बात आपने की। तो जहां तक सनातन की बात है, मैं बारहा दफा ये कह चुका हूं, 10 महीने पहले, अब चूंकि टाइम गुजरता है, 10 महीने पहले आप टोन चेक कर लें हमारी इस्लामिक, जो हमारे ईमान यूनियन की, हम चूंकि टीम है तो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कर सकते हैं क्योंकि हम मशावरत में, इस्लामिक अवेकनिंग हो, अरीना सिस्टर हो वुमेन विंग में, या मेल में हम हो, यानी मैं या सैम स्टॉलन थे, हमारी कोई एक चीज भी आप नहीं दिखा सकते कि हम ऊंची आवाज में भी बात करते हो। मेरी पुरानी स्ट्रीम्स देखें, बड़ी बोरिंग गुफ्तगू, ये जो थोड़ा आज मसाला मसूला स्पाइसी, ये हम मजबूर हो गए, हमें लगा कि शायद हमें चीखना पड़ेगा अपनी आवाज सुनाने के लिए, अदरवाइज हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही थी। दूसरी चीज ये है, पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है इल्जामी जवाब की, काउंटर रेफरेंस या काउंटर आर्ग्यूमेंट की। उसकी वजह ये है कि आप मद्दे मुकाबले को समझा ही तब सकते हो जब आपको ही हो। मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी है, समीर ने बगावत कर दी, उनमें आपने एक पॉइंट रखा था, उस वक्त सनातन धर्म ही कबूल किया हुआ था या आप सनातनी नहीं थे,
तो आपने ये कहा था कि मैं सनातन धर्म स्वीकार कर एक्स मुस्लिम्स आइडियोलॉजी लेस रहने चाहिए, क्योंकि जब वो इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म कबूल करेंगे तो जब हम उनसे हजरत आयशा के बारे में सवाल करेंगे तो वो सवाल पूछेंगे कि सीता जी की, सीता माता की, मैं भी सम्मान से बात करूंगा क्योंकि हमारा उसूल तो यही है, तो सीता माता जी जो हैं उनकी एज भी छोटी थी, जो रुक्मणी जी हैं उनकी एज भी छोटी थी, तो ऐसी सूरत में हम किस तरह फिर काउंटर कर पाएंगे? ये आपके जुमले हैं, मेरी उस वीडियो के अंदर मैंने आपकी वो ऑडियो सुनाई हुई है। तो ये बात है जिस वजह से हमें मजबूरन काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना पड़ा, क्योंकि हमारे सनातनी दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि एतराज क्या है और कैसे करना है। अब उस सूरत में हम देखते थे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं समीर, जब आप किसी चीज को लीड कर रहे होते हो ना, जैसे मूवमेंट के ऊपर तुम एक राइजिंग स्टार, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू योर डोमेन और योर सर्कल, आप एक राइजिंग स्टार हो, ठीक है, और ऐसी सूरत में चंद लोग आपकी फैन फॉलोइंग है, आपको ऑन करते हैं, तो जिस तरीके से आपकी टोन होगी, जिस तरीके से आपका अंदाज होगा, आप उनको यही फीड कर रहे हो और वो मुआशरे में यही हेट लेके फैलेंगे। यही हुआ एक्स मुस्लिम्स के साथ यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने एतराज तो कजा गालियां निकालनी शुरू कर दी, ब्लास्फेमी शुरू कर दी, नंगी बातें करना शुरू कर दी, थंबनेल्स की बदतमीजी अलहदा, जुमलों की अलहदा, वो सारी चीजें जिसको आप आज कंडेम कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। तो हुआ ये कि हिंदुओं की तो पहले ही जुबानें खुली हुई थी, उनको तो कोई शर्म और लज्जा थी नहीं, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये काम शुरू किया, हम मजबूर हो गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम कॉर्नर में थे, तो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। अदरवाइज मैं आपको ये चीज बताऊं, मैं बारहा समीर ये कह चुका हूं, जैद पटेल साहब, मुफ्ती असर वाइदी साहब, या टीम लारैब का, या कैसर अहमद राजा साहब का जो तरीका है इज्जत का, मैं उसी तरीके को ऑन भी करता हूं, उसी तरीके को उत्तम भी समझता हूं, प्रेफरेबल है वो तरीका, अप्रोप्रिएट है। हमारा तरीका बहालत मजबूरी में था, इज्तरारी था, कैटेस्ट्रॉफिक था, एक्सेप्शनल था, वो कोई मैंडेटरी नहीं था, मजबूरी थी। एक तो ये चीज, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं सुबीर, सवाल ये उठता है, मुझे आपकी नियत पर कुछ नहीं, क्योंकि वो मेरे बस में ही नहीं है कि मैं आपकी नियत को जज करूं, आप जो बोलोगे हमने उसको लेकर चलना है। तो आप कह रहे हो कि मुझे मेरे मामू ने कहा, एक लंबा अरसा है, लंबा जर्नी है सोशल मीडिया के ऊपर, मिनिमम जहां तक मेरी याददाश्त था शायद 3-4 साल का अरसा है आपका, उससे पहले आप ऑन एंड ऑफ ग्राउंड में भी चीजें कर रहे थे, सारे मामला थे। ये चेंज ओवरनाइट तो नहीं है, और फिर टाइमलाइन मैटर करती है, टाइमिंग, यानी ऐसा तो नहीं है कि झंझोड़े गए हो, हिले हो, शुकअप हुए हो, तो आपको फील हुआ है कि आप कहां गलत थे, क्या ऐसा है? या क्योंकि मामू ने आपको बात की है, कई लोगों ने और भी बात की होगी, आप चैनल पे गए हो उस वक्त भी कई लोगों ने देखा होगा और बात की होगी कि क्या चल रहा है, तो ऐसी सूरत में आपकी क्या इस पर क्या स्टैंड है, या क्या कहना चाहोगे कि भाई ये क्यों एक ओवरनाइट चेंज आई है, या क्या चक्कर क्या है? बात तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ओके, देखो आमिर भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे मामू ने मुझे एक बार बोला और मैंने एहसास कर लिया, इतने सारे लोगों ने बोला तो एहसास नहीं किया, और मेरे मामू ने बोला और उन्होंने मुझे छड़ी घुमाई और एकदम से हो गया। अब की बात सही है, ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती, ना तो ओवरनाइट कोई मुस्लिम बनता है, ना तो एक्स मुस्लिम बनता है, ना तो कोई सनातनी बनता है। एक टाइम टेबल होता है, एक डीप रिसर्च होती है, एक डीप थिंकिंग होती है, एहसास होते हैं। मेरे मामू ने मुझसे इस टॉपिक के ऊपर 2 से 3 बारी बात की है, लेकिन इतनी डीप बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हमारी ज्यादा मेरी फैमिली से ज्यादा मेरी बात होती नहीं थी, सिर्फ एक मेरे मामू और चंद एक दो लोग हैं जो मेरी रिश्तेदारी में या फैमिली में मुझसे बात करते थे, तो उनसे 1-2-3 बार बात हुई, लेकिन इतनी डीप बात नहीं हुई। इस बार जो बात हुई है वो बड़ी तसल्ली से, बड़े सुकून के साथ हुई है, क्योंकि मैं चैनल काफी टाइम से अपना नहीं चला रहा हूँ, तकरीबन 10 दिन से बंद कर, तो मैं फारिग था, तो मेरे उनसे बातचीत हुई है, बहुत सुकून से मैंने चीजें रिलाइज की है। जहां तक आप बात कर रहे हैं एक लंबा टाइम, तो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना आमिर भाई, कि आप बहुत सुकून और आराम से बात करते थे, आप उस टाइम की अगर मेरे वीडियो देखेंगे ना उठा करके, और आपके साथ गुफ्तगु हुई भी है मेरी, कैसर अहमद रजा साहब के चैनल पे भी, यासिर साहब के चैनल पे भी, तो मैं भी पहले बहुत काम होकर के बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। मेरे बिहेवियर में भी ये चेंज एक दिन में नहीं आया था, मुझे भी जब कंटिन्यूसली जब लोग आकर के टारगेट कर रहे थे, गाली दे रहे थे, I'm sorry to say, वो आप उनको माने या ना माने, लेकिन वो खुद को मुस्लिम ही कह रहे हैं, मुस्लिम ही आते हैं, मुस्लिम आकर के गाली दे रहे थे, टारगेट कर रहे थे, गलत बातें कर रहे थे, तो उससे हम भी ऑफेंड होते हैं, हम भी इंसान है, रिएक्ट करते हैं भाई, अच्छी बुरी चीजें हमें भी लगती है,
तो हमने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जहां तक ये बात आप कर रहे हो ना, अभी आपने जो मुस्लिम मूवमेंट में मुस्लिमों की बात की है कि थंबनेल लगाते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक बात ईमानदारी से मैं आपको कहना चाहूंगा, ये वन साइडेड फॉल्ट नहीं है आमिर भाई। इट्स नॉट अ वन साइडेड फॉल्ट। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जब वहां जाते हैं तो देखिए, मुस्लिम भी उस तरह की लैंग्वेज, उस तरह की बातचीत, उस तरह की हरकतें करते हैं। बदले में एक्स मुस्लिम्स के पास ये मौका आ जाता है ये कहने का कि देखो जी, इसने गाली दी है, अब हम भी इस्लाम को और मोहम्मद को गाली दें। भाई गाली उसने दी है, तुम उसको गाली दो, मोहम्मद को क्यों गाली दोगे, इस्लाम को क्यों गाली दोगे। तो उनका ये स्टैंड गलत है, मैं मानता हूं ये स्टैंड उनका गलत है। लेकिन एक चीज और भी तो है ना आमिर भाई, कि अगर एक मुस्लिम किसी एक्स मुस्लिम को गाली दे रहा है तो वो मोहब्बत इस्लाम, मोहब्बत मोहम्मद, मोहब्बत इस्लाम और मोहब्बत अल्लाह में ही दे रहा है। फिर भी वो किसी भी वजह से दे रहा है, आपको वो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन समझना चाहिए। सारे इस मुसलमान या पूरा इस्लाम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके बिहेवियर के लिए। तो मैं एक्स मुस्लिम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ना करें। अगर कोई गाली दे रहा है, आप में तहम्मुल है बर्दाश्त करने का, बर्दाश्त करके उसको निकाल दें, ब्लॉक कर दें, बात खत्म। नहीं है तो उसकी माँ बहन को गाली दे दें आप, इस्लाम को मोहम्मद जैसे रिलीजियस फिगर को गाली देना मेरे हिसाब से गलत है। और उस जगह पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक हालांकि मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, ये लोग कहेंगे अब मूवमेंट छोड़ दिया, चैनल बंद कर दिया तो अब ये बातें बोल रहा है, लेकिन नहीं, ये चीजें मैं हमेशा से महसूस करता हूं। और मैं कैसा इंसान हूं जो सही बात को बोलने में कहीं भी नहीं कतराता। कई बार ये चीजें आमिर भाई एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जानबूझकर भी की जाती हैं। और जानबूझकर क्यों की जाती है वो आप बहुत अच्छे से समझदार हैं। यानी मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं तो समझ गया हूं, क्योंकि मकसद ये है कि आप जो आपका जो माफी जमीर जिसको कह लें कि जो आपके विचार हैं वो पब्लिक तक उस तरह पहुंचे हैं, तो आसान लफ्जों में ये है कि यानी मुस्लिम प्लांट किए जाते हैं, वो गाली देते हैं और फिर ब्लास्फेमी की जाती है, ये कहना चाह रहा हूं। नहीं, मैं प्लांट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखिए, हमारे माशरे में ना ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं, ये सब में है। अगर आप यहाँ बैठ करके, बुरा ना मानिएगा, अगर आप यहाँ बैठ करके सनातन को बुरा बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, तो यहाँ सुनने वाले मुस्लिम लोग खूब मजे लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप इस्लाम को बुरा बोलते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको भला बुरा बोलते हैं, तो दूसरी कम्युनिटी वाले मजे लेते हैं। ये सबके अंदर है, हमारे अंदर। तो जितना ज्यादा किसी को मजा आएगा उतना ज्यादा ही तो वो जुड़ेगा ना आपके साथ। ठीक। यानी जितना मजे का ठुमका लगेगा उतनी ज्यादा सुपर चैट, क्योंकि समीर तुम नहीं, मैं बात सुपर चैट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पर कनेक्टिविटी की कर रहा हूँ, कनेक्शन की कर रहा हूँ, सब्सक्राइबर्स की कर रहा हूँ, चैनल ग्रोथ की कर रहा हूँ, उसमें फिर सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आई एम सॉरी टू से आमिर भाई, आप भी तो यही कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो पूरी बेस आपको समझाई है। आज समीर आप चैनल बंद कर रहे हो, एडम पीछे हट जाए ब्लास्फेमी ना करे, साहिल पीछे हट जाए ब्लास्फेमी ना करे, हम वापस अपने उस मोड में आ जाएंगे। इस्लाम, मैं तो इस्लाम को एज अ सब्जेक्ट बात करूंगा, उसके ऊपर मुझे कोई जरूरत ही नहीं है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 महीने पहले क्यों नहीं थी ये चीज, जैसे आप कह रहे हो कि आप में ग्रेजुअल चेंजेस आई। हम तो एलानिया ये बात कर चुके हुए हैं बारहा, कि मैंने तो ये यहां तक जुमला बोला हुआ है, मैं अपने इंडिविजुअल की बात, मैंने यहां तक बोला हुआ है, एक्स मुस्लिम्स या हिंदूज ब्लास्फेमी करना छोड़ दें, आपको आमिर हक नजर ही नहीं आएगा यूट्यूब पे। 2-3 साल पहले मुझे कौन जानता था, आज भी जो चंद लोग जानते हैं, 2-3 साल पहले तो कोई भी नहीं जानता था, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो एग्जिस्ट करने के पीछे कोई कारण है और इस रवैये के पीछे कोई कारण है। खैर, अभी अगली बात करते हैं, वो ये है, आप तो पीछे हट रहे हो और उसके पीछे जो भी रीजन हो जो आपने बता दिया, मुसलमान जो, अगर जैसे आपने बता भी दिया, मुसलमान अगर गलत करता है तो मुसलमान गलत है, इस्लाम नहीं। अगर कोई सनातनी गलत करता है तो सनातनी गलत है, सनातन नहीं। तो इसी तरह कोई एक्स मुस्लिम गलत कर रहा है तो एक्स मुस्लिम गलत है ना, वो बंदा गलत होगा, पर्टिकुलर वो बंदा गलत होगा, मुझे इसके मानने में कोई एतराज नहीं है कि वो पर्टिकुलर बंदा गलत होगा। हाँ बिल्कुल, मैं इस उसूल, जो हक है वो हक है, सारे एक्स मुस्लिम या पूरी मूवमेंट जो है गलत नहीं होती।
हाँ पूरी मोमेंट गलत नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब ये सवाल उठता है, जो जेन्युइन सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप बिल्कुल मोमेंट का हिस्सा बने थे इसलिए कि मानवता की बात हो या इंसानियत की बात हो, ये सारी चीजें चलें, रैशनल चीजें या ह्यूमनिस्ट चीजें बातें हों। तुफैल चतुर्वेदी साहब जो कि आपके पिता के सम्मान है, आज भी होंगे आप उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने डिसऑन किया है और उन्होंने कहा है कि आप उनकी आर्थिक सहायता या बहुत गलत बातें की और बड़ी मैं सच में कितना अच्छा वीडियो था एक्स मुस्लिम समीर ने, मतलब पोल खोल दे कि कैसे लोग एक ब्लास्फेमी करते, एक दूसरे को टारगेट करते, एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं, किस तरीके से मतलब और मतलब यूट्यूब पे उल्टी उल्टी बातें करते हैं और एक दूसरे धर्म को उल्टा सीधा कहते हैं। इन्होंने मतलब पूरी रियलिटी बता दी है, ये भी पहले ऐसे ही करते थे लेकिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। तो आप लोग वीडियो देख के समझ ही गए होंगे, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।